हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कि क्या डिफरेंस होता है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग के बेसिस पे। कोड ऑफ एथिक्स An inspirational document issued by the board of directors containing core ethical values, principles and deals of the organization in code of ethics. जो code of ethics होता है ये एक inspirational document होता है जो कि top management या फिर board of director द्वारा issue किया जाता है कि क्या core ethical values है आपकी, क्या principles है, क्या ideals है किसी भी organization के। वही code of conduct, a directional document containing specific practice एंड बिहेवियर दैट आर फॉलोड और रेस्ट्रिक्टेड अंडर द ऑर्गेनाइजेशन इज कोड ऑफ कंडक्ट। जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ये डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कि आप क्या स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस या बिहेवियर को करेंगे, आप किन चीजों में आपकी रेस्ट्रिक्शन है, मतलब किस तरीके का आप बिहेवियर कर सकते हैं, वो आपको पूरा ये डॉक्यूमेंट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट आते हैं स्कोप के बेसिस पे कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स आर वाइडर इन नेचर एज कम्पेयर टू कोड ऑफ कंडक्ट। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ये ज्यादा बड़े होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के कंपैरिजन में। कोड ऑफ कंडक्ट छोटा होता है, बोला जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आता है। वही कोड ऑफ कंडक्ट आर नैरो। जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो छोटे होते हैं, नैरो होते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर के बेसिस पे कोड ऑफ एथिक्स। Ethical standards generally are non-specific and are designed to provide a set of value or decision making. जो code of ethics होते हैं ये ethical standards generally general होते हैं, specific नहीं होते हैं, और ये design किए जाते हैं ताकि आप value को set कर सकें या decisions को ले सकें। वही code of conduct, conduct standards generally are specific and provide a fairly clear set of expectations about which actions are required, acceptable or prohibited. जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं, आपको क्लियरली बताते हैं कि क्या चीजें, क्या एक्शंस या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं, किन चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है और कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड है जिनको कि आप नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में ये आपको स्पेसिफिकली बताता है कि कौन सा बिहेवियर, कौन सी चीजें आप करेंगे और कौन सी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं गोल के बेसिस पे कोड ऑफ एथिक्स। द गोल बिहाइंड कोड ऑफ एथिक्स इज टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम अनएथिकल बिहेवियर। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं इसका अल्टीमेट गोल होता है कि जो भी कस्टमर के साथ अनएथिकल बिहेवियर किया जा रहा है, मतलब कस्टमर के साथ जो भी फ्रॉड किए जा रहे हैं, कम वेट दिया जा रहा है, ज्यादा प्राइस लेते हैं या उनको अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, वो सारी अनएथिकल बिहेवियर से प्रोटेक्ट करने के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए। वही कोड ऑफ कंडक्ट, द अल्टीमेट गोल बिहाइंड कोड्स ऑफ कंडक्ट इज टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम लाइबिलिटी। कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसका अल्टीमेट गोल होता है कि जो भी आपकी लाइबिलिटी बन रही है एम्प्लॉयज के लिए आप उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन के बेसिस पे कोड ऑफ एथिक्स। इट मोर फोकस्ड ऑन गाइडिंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू एक्ट एथिकली, अपहोल्डिंग मोरल वैल्यूज एंड प्रमोटिंग इंटेग्रिटी इन देयर एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ फिलॉसफी ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं इनका ज्यादा फोकस किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करना कि वो एथिकली कैसे काम कर सकते हैं, मोरल वैल्यूज क्या होगी, इंटीग्रिटी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस सही से हो, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एथिकल फ्रेमवर्क सही से होना चाहिए और ये फिलॉसफी को बताता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। वही कोड ऑफ कंडक्ट, इट मोर स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल, आउटलाइंस द एक्सेप्टेड बिहेवियर्स, स्टैंडर्ड्स एंड रूल दैट इंडिविजुअल शुड फॉलो इन देयर डे टू डे इंटरेक्शन एंड ऑपरेशन। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ इंडिविजुअल शुड कंडक्ट देमसेल्फ इन स्पेसिफिक सिचुएशन। जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, क्या एक्सेप्टेड बिहेवियर, क्या स्टैंडर्ड या रूल्स है जिनको कि आपको डे टू डे इंटरेक्शन में फॉलो करना, ऑपरेशन में फॉलो करना, या आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, किन स्टैंडर्ड और रूल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स।
कोड ऑफ एथिक्स इज दी सेट ऑफ प्रिंसिपल विच इन्फ्लुएंस दी जजमेंट। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ये प्रिंसिपल्स का सेट होते हैं जो कि आपके जजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। वही कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज एक्शन। जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ये गाइडलाइंस का सेट होता है कि कैसे आप एम्प्लॉयज के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करें। नेक्स्ट आता है सर्व्स फोर कोड ऑफ एथिक्स। इट सर्व एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट दैट हेल्प इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन नेविगेट कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास, मेक एथिकल डिसीजंस एंड मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड। इट सेट द टोन फॉर एथिकल बिहेवियर एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से जो भी एथिकल डाइलेमास हो रहे हैं, एथिकल डिसीजंस कैसे लेगा, एथिकली स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करेगा, और ये टोन को सेट करता है एथिकल बिहेवियर की और कल्चर को प्रमोट करता है। फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट। इस सर्व एज अ रेफरेंस एंड गाइडिंग फॉर इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडिंग क्लियर एक्सेप्टेशंस एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। इट हेल्प्स प्रमोट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, प्रोफेशनलिज्म एंड कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर एंड एक्शन। जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ये सर्व करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल को गाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। ये आपको क्लियर एक्सेप्टेशंस प्रोवाइड करता है किसी भी स्टैंडर्ड बिहेवियर के बारे में, और ये आपको हेल्प करता है कि कैसे आप पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को बना सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म पे जा सकते हैं, और आपके बिहेवियर और एक्शन कैसे कंसिस्टेंस रहेंगे। नेक्स्ट आता है ओबे द रूल के बेसिस पे कोड ऑफ एथिक्स। अ पर्टिकुलर रूल इन द कोड ऑफ एथिक्स माइट स्टेट दैट ऑल एम्प्लॉयज विल ओबे द रूल। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं इनके अंदर जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उनको आपको फॉलो करना है, उनका आपको पालन करना है, सारे एम्प्लॉयज को उनको फॉलो करना है। वही कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड ऑफ कंडक्ट माइट लिस्ट सेवरल स्पेसिफिक लॉज रिलेवेंट टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस दैट एम्प्लॉयज नीड टू ओबे। जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इसके अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक लॉज जो कि स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लिए, जिनको कि एम्प्लॉयज को फॉलो करना होता है वो होते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर के बेसिस पे कोड ऑफ एथिक्स। इट अनेबल्स एम्प्लॉय टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ये एम्प्लॉयज को बताते हैं कि कैसे आप इंडिपेंडेंट जजमेंट ले सकते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है जिनको कि आपको लेना। ये एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंटली जजमेंट के बारे में बताते हैं कि क्या सही चीजें, क्या एक्शन सही है जिनको कि आपको करना है। आप खुद स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, आपको उस लायक बना दिया गया है कि आपको पता है कि क्या एथिकली चीजें हैं और क्या सही चीजें जिनको कि आप करते हैं। वही कोड ऑफ कंडक्ट, इट अनेबल एम्प्लॉयज टू वर्क इन कंप्लायंस विद रूल्स एंड एक्शंस आर गाइडेड बाय द कोड्स। ये एम्प्लॉयज कैसे नियम को पालन करेंगे उसको बताता है कि आपको जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो एक्शंस बनाए गए हैं, जो भी कोड्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में काम को करना है, किन रूल्स को फॉलो करना है, ये उसके बारे में बताता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में। आपको लगेगा कि दोनों बहुत सिमिलर टर्म है, पर दोनों में डिफरेंस होता है। कोड ऑफ एथिक्स को टॉप मैनेजमेंट एक इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वही कोड ऑफ कंडक्ट क्या आप किस तरीके से स्पेसिफिकली बिहेव करेंगे, क्या रूल्स को आप फॉलो करेंगे, क्या चीजें आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वही कोड ऑफ एथिक्स में आप कैसे डिसीजंस लेंगे, क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है, आपको एथिकली एक्ट करना है, अच्छे से डिसीजंस को लेना है, ये उसके बारे में बताता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।